मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, इंदौर में G20 समूह की बैठकों के अंतर्गत कृषि कार्य समूहों की पहली बैठक की जा रही है, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी भाग ले रहे हैं। बैठक में कृषि उत्पादन बढ़ाने, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, क्लाइमेट चेंज सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। वहीं इस दौरान चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से एक और सवाल का जवाब मांगा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, इस G20 समूह की बैठक में, जिसकी अध्यक्षता मोदी जी के नेतृत्व में भारत कर रहा है, इसमें लगभग 20 देशों के समूह भाग लेंगे और इंदौर में G20 समूह की बैठकों के अंतर्गत कृषि कार्य समूह की पहली बैठक हो रही है, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी भाग ले रहे हैं। बैठक में कृषि उत्पादन बढ़ाने, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, क्लाइमेट चेंज सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। चौहान ने कहा, मुझे विश्वास है कि इस बैठक का पूरी दुनिया के लिए सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश कृषि के क्षेत्र में लगातार उल्लेखनीय कार्य कर रहा है, अनेकों उपलब्धियां हमने हासिल की है और मध्य प्रदेश की एग्रीकल्चर ग्रोथ कई वर्षों से 18% से ज्यादा रही है। सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से लेकर कई क्षेत्रों में हमने कार्य किया है। आज उन उपलब्धियों और योजनाओं को भी G20 समूह के सामने रखा जाएगा। इंदौर में G20 की बैठकों के अंतर्गत कृषि कार्य समूह की पहली बैठक हो रही है। कृषि मंत्री जी भी, केंद्रीय कृषि मंत्री जी भी इस बैठक में भाग ले रहे हैं। इस बैठक में, जिसकी अध्यक्षता G20 समूह की भारत कर रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, लगभग 20 समूह देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। कृषि उत्पादन बढ़ाने, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, क्लाइमेट चेंज के प्रभाव सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। सीएम शिवराज ने कमलनाथ से एक और सवाल करते हुए कहा कि आज मैं कमलनाथ जी से एक और सवाल पूछना चाहता हूं। कल फिर वचन पत्र की बैठक हुई, वो वचन पत्र की बैठक नहीं है, फिर वे महा झूठ पत्र बना रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जो कुछ कहा उसको किया नहीं, अब फिर एक और झूठ पत्र जिसमें जो मन में आए सब जोड़ दो, करना तो है नहीं, फिर से वह बनाया जा रहा है। चौहान ने कहा, जनता इस झूठ को जानती है और इस झूठ पर भरोसा नहीं करेगी। लेकिन एक सवाल है कमलनाथ जी, आपने जो वचन पत्र में कहा था वह तो किया नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाएं जो 2018 तक चलती थी, उनमें से एक योजना थी हमारी भारतीय सहरिया और बेगा बहनों को ₹1,000 की राशि हर महीने देते थे, और वो इसलिए देते थे कि घर की जरूरी आवश्यकताएं, विशेषकर बच्चों के पोषण के लिए फल खरीदें, सब्जी खरीदे, दाल खरीदे, किराने का सामान खरीदे। लेकिन 15 महीने कमलनाथ जी आपने अति पिछड़ी जनजातियों की बहनों के बेगा सहरिया भरिया उनके हक को छीन लिया है और ₹1,000 आपने 15 महीने तक नहीं दिए। जब हमारी सरकार आई तो फिर हमने वह पैसा उनके खाते में डालना शुरू किया। कमलनाथ जी, बेगा भारिया और सहरिया बहनों ने आपका क्या बिगाड़ा था? क्या पोषण आहार अनुदान की राशि आपने बंद की है? हम जवाब मांग रहे हैं। कमलनाथ जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। कल फिर वचन पत्र की बैठक हुई, वो वचन पत्र की बैठक नहीं है, फिर से महा झूठ पत्र बन रहा है, क्योंकि पिछली बार जो कुछ कहा उसको किया नहीं, अब फिर एक और झूठ पत्र जिसमें जो मन में आए सब जोड़ दो, करना तो है नहीं, फिर से वो बनाया जा रहा है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।